चलो भाई चल रहे हैं। हाँ तो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर आज कवर करना है अपना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, अब जब हम लोगों ने जब हम पढ़ा रहे थे पार्लियामेंट पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये किसी प्रस्ताव को ये पारित करती हैं और उस प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके ये लोग भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के कमेंट और प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही ये जो विधेयक है जो जो विधेयक है वो बन जाता है एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। ठीक, साथ ही साथ ये भी हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को हम कहते हैं प्रेसिडेंट कार्यपालिका का प्रमुख भी कहलाता है ना। प्रेसिडेंट को हम कार्यपालिका का प्रमुख भी कहते हैं और प्रेसिडेंट के कार्य में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। एक मंत्री परिषद होता है कमें यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का प्रमुख तो है लेकिन यहां पर जो प्रमुख है वो हमारे संविधान में दो तरीके के प्रमुख बताए गए हैं। ठीक है, संविधान में दो तरीके के प्रमुख बताए गए हैं तो एक तो प्रमुख हो जाए एक तो प्रमुख है नाम मात्र का प्रमुख या हम कह सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है भाई ये रियल ऑर्डर होगी ये होगा नॉमिनल हेड यानी हम कह सकते हैं कि ये है नॉमिनल हेड और ये है रियल हेड। ठीक, अब नॉमिनल हेड कौन है नाम मात्र कार्यपालिका कौन है राष्ट्रपति है ना। तो प्रेसिडेंट को बहुत मुस्कुरा रहे हो क्या राज है छुपा रहे हो हैं प्रेसिडेंट और जो वास्तविक कार्यपालिका है कौन होगा प्राइम। ठीक है, लेकिन सारे कार्यपालिका ही कार्य ये सब राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर के से ही होंगे या राष्ट्रपति के द्वारा ही क्रियान्वित की जाएंगे यानी सारी कार्यपालिकाई शक्तियां ये राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। भले ही वो नाम मात्र कार्यपालिका है लेकिन सारी कार्यपालिकाई शक्ति किसके नाम पर क्रियान्वित की जाएंगी राष्ट्रपति साइन उसी का लगेगा। भले ही वो ये साइन करने के लिए इस पर डिपेंड है यानी जो पीएम जो कहेगा मंत्रिपरिषद जो कहेगा वही करने के बाद है। तो इसमें कहा भी गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा हमारे संविधान में कहा भी गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या होगा क्लियर बात। ठीक है, कल मेरी क्लास है कल नहीं है कल मनीष से खेलेगी मनीष सर की है क्लास से देखो ऐसा वही पढ़ा ठीक है चलिए छुट्टी करंट अफेयर्स का मतलब छुट्टी होता है ना क्लास की राष्ट्रपति कौन बना है नया। ठीक है ओके, तो कल अगर होती भी मेरी तो मैंने ले पाता तो अच्छा है ओके। तो ये आप थोड़ा सा समय कम वेस्ट करते हुए थोड़ा सा मैं लिखवाने पर क्योंकि मुझे 4:30 बजे क्लास यानी वो छोड़नी है बहुत आवश्यक काम है ना। तो हम लोग करते हैं सीधे आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 सीधे आर्टिकल 52 तो लिख लेते हैं इसको। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये आर्टिकल 52। देखिए जो राष्ट्रपति है उसके बारे में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक में सारी चीजें कही गई है मतलब कोर जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर 61 बाकी तो राष्ट्रपति के बारे में पूरे हमारे संविधान में ही दिया गया कहीं ना कहीं
कोई नहीं कोई जगह अगर इमरजेंसी देखे तो वहां पर भी राष्ट्रपति का जिक्र है। तो राष्ट्रपति का जिक्र तो पूरे संविधान में है, लेकिन जो इतने उधर वो कोर जहाँ पर मुख्यताई की जाए वो बावन से लेकर 61 के बीच में है। तो पहले इसको लिख लीजिएगा आर्टिकल 52 से लिख लीजिएगा नामादी कार्यपालिका है नॉमिनल है ठीक, उसके बाद से लिखिएगा आर्टिकल 52 तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी आर्टिकल 53 समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। देखिए कहानी क्या है, हमारे संविधान में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा, विराट का जो इनका बावन जो कह रहा भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 क्या कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी और राष्ट्रपति के कामों में मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड की बात अधिकारी होगा ये सब कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि एक कार्य में मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार है, इंदिरा गांधी जी ने लगाई इमरजेंसी ठीक। अब इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि यार राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल जो मंत्रिपरिषद करे वही करे, मतलब अपना दिमाग में लगाए, तो उन्होंने किया बैल संविधान संशोधन, तो उसमें लगे वहां उन्होंने ये भी कर दिया कि राष्ट्रपति अपना दिमाग चाहे कर लगा पाए, यानी कि अब जो मंत्रिपरिषद की सलाह क्या कर दी गई बाध्यकारी कर दी गई। बैरिस्टर संविधान संशोधन से पहले ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि बाध्यकारी होगी सलाह, ये लिखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा ठीक। लेकिन इंदिरा गांधी ने बैरिस्टर में क्या दिया कि ऐसी सलाह क्या होगी बाध्यकारी होगी, फिर सरकार आई मोरारजी देसाई की, हमारे कहा था कि वो जो है छोड़ गए थे तो सब क्या करेंगे वो फिर से कि कहीं ऐसा दोबारा इस तरह फिर से इंदिरा गांधी जी आते हैं फिर इमरजेंसी लगा दी तो फिर वही घटना दोबारा घटित हो। तो उन्होंने किया 44वां संविधान संशोधन और मैंने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन लाया ही गया था 47 को अंडू करने के लिए। तो उन्होंने इसमें यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति जी अब मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और अगर मंत्रिपरिषद ने अब फिर से वही सलाह वापस भेज दी चाहे संशोधन करके और चाहे बिना संशोधन के, तो अब ऐसी सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, यानी एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति प्राप्त भी रखते हैं ठीक है। उसी क्या लिखे परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि
परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और यदि मंत्रिपरिषद ने दोबारा से उस सलाह को संशोधित करके अथवा बिना संशोधन के मंत्रिपरिषद ने उस सलाह को दोबारा से संशोधित करके अथवा बिना संशोधन के मंत्रिपरिषद के समक्ष भेजा तो राष्ट्रपति के समक्ष भेजा तो अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी होगा। ठीक है, हैंडे जा रही है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब निर्वाचन में क्या क्या चीजें हम देखेंगे, तो पहला पॉइंट लिखे योग्यता, दूसरा पॉइंट होगा शर्तें, तीसरा होगा निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता, शर्तें, निर्वाचन की प्रक्रिया, और चौथा इस तरीके का निर्वाचन संबंधी विवाद। निर्वाचन में हम पहला देखेंगे हम क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, फिर निर्वाचन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे प्रोसीजर, निर्वाचन की प्रक्रिया को देखेंगे कि क्या इलेक्शन प्रोसीजर होगा, और चौथा हम देखेंगे निर्वाचन संबंधी विवाद। ये चार चीजें हम देखेंगे, प्रेसिडेंट इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन, योग्यता, देखो योग्यता के लिए और एक आर्टिकल 58 पहला पॉइंट लिखेगा योग्यता में, फर्स्ट पॉइंट भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखे 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो। थर्ड पॉइंट लिखे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, थर्ड पॉइंट लिखना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। जनप्रतिनिधि हम 1951 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, मतलब कि वो सारी क्वालिफिकेशन इसके अंदर होनी चाहिए जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। यानी लोकसभा का सदस्यता की शर्तें वह पूरी करता हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक मतलब समर्थन करें, अनुमोदक के रूप में अनिवार्य है। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में अनिवार्य है। और उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15,000 रुपये की राशि और 15,000 रुपये की राशि उम्मीदवार है और उम्मीदवार को 15,000 रुपये की राशि जमानत के रूप में जमा करानी होगी। 15,000 रुपये की राशि जमानत के रूप में जमा करानी होगी। कुल वैध मतों का 1/6 मत, कुल वैध मतों का 1/6 मत ना मिलने की दशा में, कुल वैध मतों का 1/6 मत ना मिलने की दशा में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे क्या क्या होना चाहिए, पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरी बात एग्री कर चुका हो। अब ये ना सिर्फ लिख देना कि भाई वो सारी शर्तें लोकसभा की एग्री करा, कोई शर्त ही नहीं है भाई। लोकसभा का उम्मीदवार होने के 25 वर्ष ये थे ना मैम, यहाँ पर 1/45 वर्ष दी गई, वो एक पॉइंट अलग है। बाकी सारी कंडीशन वही है जो कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए है। यानी कि अगर ये राष्ट्रपति जो व्यक्ति राष्ट्रपति के ऊपर खड़ा हो रहा है, लोकसभा का सदस्य अगर खड़ा हो तो उसके पास सारी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसके अकॉर्डिंग सारी शर्तें पूरी करना हो, गाइडलाइन के अनुसार सारी शर्तें पूरी करना हो। और उस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहा है तो कम से कम 50 सदस्य हो जो कि उसके नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत करे, ठीक है। और 50 सदस्य ऐसे हो जो कि उसके नाम का समर्थन कर दे, अनुमोदन कर दे। 100 सदस्य तो होनी चाहिए उसके फेवर में, है ना। इसे लेट कहेंगे 2 बजे की क्लास में 4 बजे आ रहे हो, तो डेट की डेफिनेशन बदल दी। आज सर पहला वाला भी बोलता ना इसका, क्या नाम है? राम बाबू कहने की बात ये है कि तो मुझे दिखते थोड़ा कम हो। कहाँ बैठे हो? संदीप कुमार, तुम्हारा नाम है? तो ये तो अपना कर दो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है यार, तुम्हारा नाम कैसे बोल सकते हैं?
लाभ के पद पर है अथवा नहीं, इसका निर्धारण
निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। कोई पद लाभ का पद है नहीं, इसका निर्धारण करेगा संसद, ठीक है। और कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है कि नहीं, इसका निर्धारण करेगा चुनाव आयोग, ठीक है। लाभ का पद क्या होता है? कोई ऐसा पद जिससे उसको सरकारी सरकारी को जाने से मौद्रिक लाभ प्राप्त होगा, वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? लाभ का पद। यानी कि अगर हम बात कर लें तो सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सरकारी पद है सरकार, ठीक है। अगर आप राज्यपाल हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं है, आप राष्ट्रपति चुनाव कर सकते हैं। अगर आप गृह मंत्री हैं तो आप राष्ट्रपति पद पर नहीं है, आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवासी हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं तो आप राष्ट्रपति पद पर हैं, ठीक है। जैसे सर जिसको पेंशन मिलती है तो पेंशन जैसा पेंशन मिलती है निर्वाचन संबंधी जो विवाद है ये हम लास्ट में करेंगे। उपलब्धियां एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी पर उपलब्धियां एवं भत्ते। देखो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे एवं संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे एवं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे एवं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो देखिए भारत की संचित निधि पर वो सारे खर्चे डाले जाते हैं जिनको टालना चाहिए, जिनको पूरा कराना क्या बिल्कुल जरूरी हो, तो इमरजेंसी भी लग जाए इवन तब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी रुकी जाती है, बाकी सबकी सैलरी पेंशन सब रुक जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसकी जो सैलरी है इसका निर्धारण करता है संसद और ये भारत की संचित निधि पर भारत के राष्ट्रपति को बिना किराए का निवास स्थान, बिना किराए का निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिना किराए का निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। थर्ड पॉइंट से राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 राष्ट्रपति पद के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञा। आर्टिकल 7 राष्ट्रपति पद के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन, राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन की शपथ लेता है। राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन की शपथ लेता है तथा अपनी क्षमता अनुसार, राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन की शपथ लेता है तथा अपनी क्षमता अनुसार
संविधान का परिरक्षण, परिरक्षण मतलब होता है प्रोटेक्ट, तथा अपनी क्षमता अनुसार संविधान का परिरक्षण यानी प्रोटेक्ट, कॉमा संरक्षण यानी प्रिजर्व, अपनी क्षमता अनुसार संविधान का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब होता है डिफेंस, की शपथ लेता है राष्ट्रपति, अपनी क्षमता अनुसार संविधान के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है तथा भारत की जनता के कल्याण को, भारत की जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने की शपथ लेता है। ठीक है, शक्तियां तीनों विभागों का प्रमुख है,
तीनों लोगों का प्रधान सेनापति है, न्यायिक छुट्टियां इसके पास न्यायिक छुट्टियां भी है, यानी ये सजा को कम भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है, इसके पास न्यायिक छुट्टियां भी है और फिर आपातकालीन छुट्टियां राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला विधायी शक्ति, राष्ट्रपति शक्तियां पहला विधायी शक्तियां, दूसरा कार्यपालिकाई शक्तियां, कार्यपालिकाई शक्तियां, तीसरा सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, चौथा है न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और पांचवा हो जाएगा आपातकालीन शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष को अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित करने का अधिकार होता है, लोकसभा अध्यक्ष को अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित करने का अधिकार होता है। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष निश्चित काल के लिए भी संसद भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष निश्चित काल के लिए भी संसद भंग कर सकता है, बोलते हैं ना एडजर्न, हाँ तो एडजर्न भंग बोलते हैं जब निश्चित काल के लिए भंग हो, बता दिया था कि आप फलाने डेट पर बैठोगे तो एडजर्न,
और एक होता है सिनेडाई, SINEDIAI सिनेडाई, वो होता है जब अनिश्चित काल के शब्द हो। ठीक है, देखिए 17 ऑप्शन कौन करेगा, राष्ट्र करेगा। इस पर लिख लीजिए, हमारे संविधान में तीन सत्र, हमारे संविधान में तीन सत्र उल्लेखित है, हमारे संविधान में तीन सत्र उल्लेखित है। पहला बजट सत्र, बजट सत्र फरवरी से मई। दूसरा है मानसून सत्र, मानसून सत्र जून से अगस्त, और फिर शीत सत्र नवंबर से दिसंबर। इसे नोट डाल करके दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। ये तो भी राष्ट्रपति की पहली विधेयक है। ठीक है, दूसरी स्थिति लिखिए, आज लाइव हो गया, हो गया दो बजे यार, आज चल बार सर एक क्लास में भाई साहब तो आज के जो है ओके बदल ना कर दूँ है क्लास में भाई के लिए उत्तर क्या है, भाई सर दिन निकलते निकलते कह रहे हैं आप तो लाइव नहीं लेंगे तो घंटा ना है। दूसरी स्थिति है लोकसभा को भंग करने की शक्ति, लोकसभा को भंग करने की शक्ति। देखो राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग व्यवहार में, लोकसभा को भंग करने की शक्ति व्यवहार में दो स्थितियों में ही किया जा सकता है, व्यवहार में दो स्थितियों में ही हो सकता है, व्यवहार में दो स्थितियों में ही किया जा सकता है। पहली स्थिति लिखिए, पहला पॉइंट, यदि सत्ता दल अल्पमत में आ जाए एवं किसी अन्य दल अथवा गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा न किया जाए, किसी अन्य दल अथवा गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा ना किया जाए। ठीक है जी, तो पहली स्थिति तो हो गई जब रूलिंग पार्टी आ जाए, अल्पमत में आ जाए और कोई अन्य दल सरकार बनाने का दावा ना करे, पहले तो राष्ट्रपति अन्य दल को आमंत्रित करेगा जाकर कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, क्योंकि सरकार तो तभी बनेगी ना जब आप आधे से अधिक आपके समर्थन में हो सांसद, तो ऐसे नहीं राष्ट्रपति आकर खास कर आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना, उसने कह दिया कि आज जो है लोकसभा भंग होती है, ऐसे नहीं कर सकता राष्ट्रपति की इतनी क्षमता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बताया था कि हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्टी का सदस्य होता है और बहुमत प्राप्त दल
शासन करते, ना तो किसी व्यक्ति विशेष का शासन होता। ऑलरेडी मैं वर्ड यूज कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता, हमारे यहाँ बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। तो जब तक कि उस दल को बहुमत प्राप्त है तब तक तो उस दल का जो व्यक्ति है जिसको उस व्यक्ति दल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो शासन करेगा, उसकी सरकार होगी। लेकिन जैसे ही वो दल बहुमत अकालमत में आ जाएगी तो तुरंत उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा वरना सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह दे, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह दे, तो अगर राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह दे ना, अगर प्रधानमंत्री अकेले सलाह देगा नहीं, मंत्रिपरिषद की सवारी पर सलाह देगा। और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के बाद है। तो अगर प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कि सरकार को भंग कर दीजिए तो राष्ट्रपति भंग कर देगा, या तो अल्पमत में आ जाए या तो प्रधानमंत्री। ये हो गई दो शक्तियां हो गई इसकी, पहली शक्ति हो गई, दूसरी शक्ति हो गई। अब तीसरी विधायक शक्ति, तीसरी विधायक शक्ति देखो, राष्ट्रपति को संसद का विशेष सत्र बुलाने, राष्ट्रपति को संसद का विशेष सत्र बुलाने कामा अभिभाषण करने, अभिभाषण करने या अभिभाषण करने या संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है, या संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 86
एक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला ये राष्ट्रपति की वीडियो
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर इससे ट्राई, ये सारी चीज़ें हम कल मैं कराऊंगा।